हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ कश्यप और आपके चैनल माई लाइक वीडियोस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो इस इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या बोध है, इंग्लिश में है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिल बिट। तो ए जो है वो है सेंटर बिट, बी है एक्सपेंशन बिट, सी है नेल बिट और कोबरा बिट, और डी है अगर बिट। हिंदी में अब इसके आंसर देखते हैं। ए दे रखा है केंद्र बिट, बी है विस्तार बिट, सी है कील बिट या नेल बिट, और डी है एंगर बिट। तो एक बार हम इसका आंसर जो है वो है विस्तार बिट, यानी इंग्लिश में इसका आंसर बोलेंगे एक्सपेंशन बिट। मैं आपको एनसीबीटी बुक के अंदर भी आपको इसका बता देता हूँ। ये देखिए, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन बिट। ये 12 सेंटीमीटर से लेके 75 mm तक की अपन जो भी इसके अंदर जो सेट करेंगे उस कटिंग का होल बना देता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, पॉइंट फर्स्ट में लिखा है कि दिस बिट इज एबल टू एडजस्ट टू कट होल्स फ्रॉम 12 mm टू 75 mm। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है इट्स कटिंग एक्शन इज सिमिलर टू द सेंटर बिट, यानी कि इसका जो कटिंग एक्शन होता है वो सेंटर बिट के जैसा जैसा ही होता है, लमसम सिमिलर होता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें सेंक बताया है, इसे हम सिंक कहते हैं, जो एरो से बता रखा है। और एक है एडजस्टेबल कटर, यानी कि एडजस्टेबल कटर से हम जो भी इसमें डायमेंशन जो भी हम इसमें सेट कर देंगे उसी के अनुसार इसमें होल होगा फिर वुड के अंदर। ठीक है दोस्त, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में प्रयुक्त फर्नीचर का नाम बताओ। ए दे रखा है डेस्क, बी दे रखा है चाय टेबल, सी दे रखा है वेद आराम कुर्सी, और डी दे रखा है किताब सेल्स। इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेम द फर्नीचर विच इज यूज्ड इन द लाइब्रेरी। ए डेस्क, सी टेबल, सी है कैना इजी चेयर, और बी है बुक सेल। तो सीधा सा है कि लाइब्रेरी में कौन सा फर्नीचर, लाइब्रेरी में हम बुक पढ़ने जाते हैं तो किताब सेल्फ ही लाइब्रेरी में काम आती है। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है डी, इंग्लिश के अंदर बुक सेल्स। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि स्पोक शेप का प्रकार बताएं। ए है ऑप्शन चपटा मुख स्कोप शेप, बी है गोल मुख स्कोप शेप, डी है खोखला मुख स्कोप सेव, डी है चौकोर मुख स्पोक सेव। इस क्वेश्चन को अब हम इंग्लिश में एक बार देखते हैं। इंग्लिश के अंदर ये क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्कोप स्पोक सेव। ए फ्लैट फेस्ड स्पोक सेव, राउंड फेस्ड स्पोक सेव, होलो फेस्ड स्पोक सेव, या स्क्वायर फेस्ड स्पोक सेव। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, खोखला मुख स्कोप सेव, यानी कि डीप में हम देखेंगे तो बोलेंगे होलो फेस्ड स्पोक सेव। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को एनसीबीटी की बुक के अंदर भी बता देता हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए कि हाँ इसका आंसर डी है। ये देखिए, ये वो की वह चीज़ बनी है और इस पर लिखा है होलो फेस स्पोक सेव। ठीक है, तो अब आपको ये कंफर्म हो गया है, जैसा कि बुक में भी बता रखा है होलो फेस स्पोक सेव, और यही क्वेश्चन में है, और इसका आंसर में होलो खोखला मुख स्पोक सेव। इंग्लिश में आप देख सकते हैं होलो फेस स्पोक सेव। ठीक है, तो हमारा ये आज का थर्ड क्वेश्चन भी पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो के फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि श्रुतुकरण की में जमा कर रखे गड्ढा पर आक्रमण करने वाले कीड़े का नाम बताओ। ए दीमक या सफ़ेद चींटी, बी है खम्बा चूर्ण,
भौरे, सी है पिन छिद्र भेदक, या डी है जहाली इल्ली। इंग्लिश में हम इस क्वेश्चन को अब एक बार देखते हैं। इंग्लिश में है कि नेम द इंसेक्ट विच अटैक्ट द टिम्बर वाइल इट इज स्टैक्ड फॉर सीजनिंग। यानी कि ये क्वेश्चन में है कि जब हम सीजनिंग करते हैं लॉग की, यानी कि जो लट्टे हम पेड़ से काट के रखते हैं और उसके अंदर जो सेप वुड होता है, यानी कि जो नमी होती है, हम उसको सुखाते हैं। उस सुखाने की प्रक्रिया को सीजनिंग कहते हैं। तो उसको सुखाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, पर हम जो भी तरीका वो काम में लेते हैं, तो उसको जैसे लकड़ी को सुखाते हैं, उस दौरान उसमें कीड़े जो पड़ते हैं लकड़ी के अंदर, उन कीड़े का नाम कौन सा होता है। ये जो नीचे जो ABCD में ऑप्शन है, ये अलग अलग टाइप के कीड़े हैं। अब इनमें से कौन से कीड़े हैं जो सीजनिंग के दौरान पड़ते हैं। ए दे रखा है इंग्लिश में टर्मिनेट विद वाइट आंट, बी है पाउडर पोस्ट बीटल, सी है पिन पोस्ट बोरियर, या डी है शिप बोर्स। तो अब हम इसका आंसर है जो इसका आंसर है दीमक या सफ़ेद चीटी। बिल्कुल सही है, दीमक या सफ़ेद चीटी। ठीक है, तो और मैं इस इंग्लिश में भी इसका बता देता हूँ, टर्मिनेट और वाइट आंट यानी कि दीमक या सफ़ेद चीटी। पाउडर पोस्ट बीटल्स जो होते हैं वो बने बनाए फर्नीचर जैसे सूखी लकड़ी होती है, आपके घर में भी आपकी लकड़ी में, घर की लकड़ी में जो कीड़े होते हैं ना, एकदम कोई लकड़ी अगर आप उठाते हैं अचानक से उसमें पाउडर पाउडर सा झड़ता है, वो होता है पाउडर पोस्ट बीटल्स। ठीक है, तो आज ये फोर्थ क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्रत या अर्धव्रत बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। ए है इसमें वुडन ट्राई स्क्वायर, बी है विवल स्क्वायर, सी है इसके अंदर विंग कंपास, या डी है कैलीपर। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है कि विच टूल इज यूज्ड फॉर सेटिंग आउट आर्क ऑफ सर्किल एंड टू मेक कर्व्स। द आंसर ए इज वुडन ट्राई स्क्वायर, बी इज बेवल स्क्वायर, सी इज विंग कंपास, और डी इज कैलिपर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है विंग कंपास और कैलिपर। इसमें दो दो टिक लगे हैं, इसलिए हम इसका कंफर्मेशन कर लेते हैं एक बार बुक में जाकर। ठीक है, हम इसमें ढूंढते हैं विंग कंपास और कैलिवर कहाँ पे है। विंग कंपास मिल गया, विंग कंपास है अपने पेज नंबर 828। तो पेज नंबर 28 निकालता हूँ मैं, पेज नंबर 28, ये तो आ गया विंग कंपास। ठीक है, अब हम विंग कंपास के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये होता है विंग कंपास। ठीक है, और जैसा कि आपने क्वेश्चन में देख रखा है कि विंग कंपास और इसमें जो कैलीपर, ये दो पे टिक लगा था और हम लोगों को इस पे ही डाउट था कि विंग कंपास आंसर है या कैलीपर। तो कैलीपर इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैलीपर इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ कैलीपर, ये होता है कैलीपर जिसमें से। ठीक है, तो कैलीपर इसका आंसर बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर है विंग कंपास। ठीक है, अब विंग कंपास में देखो, आप ये पॉइंट भी दे रखा है विंग कंपास के अंदर कि फॉर सेटिंग आउट आर्क एंड सर्किल, यानी कि इस विंग कंपास से आप सर्किल भी बना सकते हैं और अर्ध
वृत्त भी बना सकते हैं, यानी कि आधा गोला भी इससे बना सकते हैं। और आप विंग कंपास के बारे में और भी चीज़ें देख लीजिए। इसको बोलते हैं, जैसा कि आपको ड्राइंग में चित्र में दे रखा है, इसे बोलते हैं लेग, इसे बोलते हैं फिक्स्ड थंब स्क्रू। थंब स्क्रू स्क्रू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे अंगूठे से घुमाया जा सकता है, फिक्स करा जाता है। इसे बोलते हैं विंग, और इसे बोलते हैं फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। ठीक है, ये भी एक विंग स्क्रू होता है, यानी थंब से इसको भी घुमाया जाता है, और इसे बोलते हैं पूरे को विंग कंपास। सो आपको आज के ये 5 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन समझाए हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करना ना भूलिए, और आपके और भी जो दोस्त हैं कारपेंटर ट्रेड में, आप उसे ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो के कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह मैं जो अपलोड कर दूँ, नए वीडियो वो आपके पास आए, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग योर चैनल माई लाइक वीडियोज़।